टेलीग्राम पर आपको एडवर्टाइजिंग कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई लिंक में जाकर देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो उसका फॉलोअप वीडियो है। वहां पर मैंने बताया था telega.io से आप कैसे एक एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपने चैनल में भी आप एडवर्टाइज करके अर्न कर सकते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग किसी और चैनल में आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऊपर बताया था, बट मैंने आपको वहां नहीं बताया था कैसे आप एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, एक एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसा आपका एडवर्टाइजिंग दिखेगा, कैसे आप उसमें इमेज अटैच कर सकते हैं, कैसे लिंक्स अटैच कर सकते हैं, कैसे उसे शेड्यूल कर सकते हैं और किन किन चैनल पर कब पोस्ट होगा, कितने देर के लिए पोस्ट होगा, सारे चीज मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। बट उससे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं टेलीग्राम एडवर्टाइजिंग को इसलिए ज्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि यही एक एडवर्टाइजिंग है जहां पर आपको सबसे कम रेट में सबसे अनबायस रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप अपना चैनल ही प्रमोट करो, आप कोई भी लिंक्स प्रमोट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस वेंचर को प्रमोट कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल्स को प्रमोट कर सकते हो, बॉट्स ग्रुप्स सब चीज़ प्रमोट कर सकते हो, यहां पर लिंक्स में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो हर तरह का प्रमोशन यहाँ पर पॉसिबल है, बट आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा कैसे आप इसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको ये सारी चीजें क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो telega.io की वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो। नाउ यहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, जो भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है। आई होप आपने लॉगिन कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की है कि यहां पर 3000 से भी ज्यादा चैनल्स एंड बॉट्स रजिस्टर्ड है। तो यहां पर फर्स्ट पेज में ही आपको दिख जाएगा कौन कौन से चैनल्स बॉट्स या ग्रुप जो भी है यहाँ पर रजिस्टर्ड कितने हैं, जो कि आप यहाँ पर साइड में सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लैंग्वेज वाइज फिल्टर करना चाहते हो। सपोज हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग हिंदी वाला चैनल सर्च करेंगे जहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा, लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना होगा हिंदी में। नाउ यहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑल टॉपिक्स में सिलेक्ट करके मैं आर्ट एंड डिजाइन कर लेता हूँ। तो मेरे पास दो चैनल आ जाते हैं जहाँ पर मैं एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए सुटेबल है। आप अपने अनुसार चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आपका चैनल है उस कैटेगरी से रिलेटेड आप दूसरे चैनल सर्च कर सकते हैं जहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। तो ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स से हम इस दोनों चैनल पर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले इसे ऐड टू कार्ट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों ग्रीन हो गए, मतलब ये ऐड टू कार्ट हो गए। यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्राइसेस शो कर रहे हैं। एक का प्राइस है $3.9, दूसरे का है $3.6, और इतने पैसे आपके वॉलेट में होने चाहिए पहले से। तो यहाँ पर वॉलेट में आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी मेरे वॉलेट में है $11.83। तो अगर आपको और महंगा एडवर्टाइजिंग करना है तो वहाँ पर वॉलेट में डालना होगा पैसे, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको चूज टॉप अप मेथड, तो बहुत सारे सिंपल मेथड्स इंडिया के लिए स्पेशली मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इसमें बहुत आसानी से टॉप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड से कर सकते हैं, ई वॉलेट से कर सकते हैं, पेपल, क्रिप्टो करेंसी, इन सारे चारों मेथड से आप आसानी से यहाँ पर टॉप अप कर सकते हैं। अगेन हम बैक जाते हैं, यहाँ पर हम अगेन चैनल को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। नाउ ऐड टू कार्ट से हम मूव कर जाते हैं कार्ट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन करना हो, किस तरह की ऐड हमें पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों चैनल ऐड हो गए हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चैनल इसके बाद ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर ऐड चैनल का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी नेक्स्ट चैनल सर्च करके ऐड कर सकते हो, सिमिलर प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ को कोई और चैनल आपको ऐड करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ अगेन हम ऐड टू कार्ट पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम एक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ प्लेसमेंट, आप एक ही तरह के एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ प्लेसमेंट में सिलेक्ट करना है आपको 1, 2, 3, 4 जो भी रखना है। मान लीजिए हम 2 सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 2 हो गए। उसी तरह आप यहाँ पर जाकर प्लेसमेंट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, वो भी सारे पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको तीन तरह के ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला जो है वन पोस्ट फॉर ऑल चैनल, मतलब आपने कोई एक इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया, वही सेम एडवर्टाइजमेंट आपके मल्टीपल चैनल्स जो भी आपने कार्ट में ऐड किया सब जगह पोस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे ये वाला काम करता है, उसी तरह मैं सारे पर आऊँगा धीरे धीरे। नाउ हम इसे एक नेम दे देते हैं, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इसे।
तो यहाँ पर न्यू कैंपेन वन दे दिया मैंने। अब नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपको एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एक इमेज होती है, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें एक लिंक्स होता है, ठीक है। तो हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। लेट्स से मैं इस चैनल का एडवर्टाइजिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ मैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, आपके अनुसार कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बना रखा है तो मैं कुछ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मेरी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट हो गई। अब मैं इसमें एक लिंक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अगर मुझे लिंक ऐड करना है तो यहाँ पर आके सेलेक्ट करके यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ भी URL आप डाल सकते हैं, कोई वेबसाइट डाल सकते हैं या टेलीग्राम चैनल का URL डाल सकते हैं, कोई भी URL हो सकता है वो। तो मैं अभी चैनल का ही URL डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो होगा टेलीग्राम में कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। यहाँ पर बंदा क्लिक करेगा और आपके चैनल पर चला जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप पब्लिकेशन डेज, पब्लिकेशन टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब आप कब पब्लिश करना है, कितने बजे पब्लिश करना है, वो सारे कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आप पोस्ट करना चाहते हैं, एंड देन पब्लिकेशन टाइम में आप जो भी टाइम यहाँ पर पब्लिश करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे जो आएगा, ये दोनों चैनल जिस पर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन इस ऑप्शन मिल जाती है। लाइक यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन मिलता है, इसमें केवल आप पब्लिकेशन डेट एंड पब्लिकेशन टाइम चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब आपका जो पोस्ट होगा ऐसा ही दोनों चैनल पर पोस्ट होगा। नाउ जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको रन द प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करके आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं। नाउ सेकेंड प्रोजेक्ट टाइप है जहां पर एक पोस्ट और यूनिक लिंक बना सकते हैं। मतलब आपका जो इमेज होगा वो कॉमन होगा, बट उसमें लिंक आप डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर अगेन वही सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, अपलोड करना है एक इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लिंक्स ऐड करना है। मान लीजिए मैं इसमें लिंक ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अभी क्या है, ये लिंक कॉमन है दोनों चैनल के लिए। देखिए अभी ये कॉमन लिंक दोनों चैनल के लिए, बट यहाँ पर जब आप कस्टमाइज में जाते हो तो यहाँ पर आपको पब्लिकेशन डेट एंड टाइम के अलावा एक और कस्टमाइजेशन मिलता है लिंक्स चेंज करने का। तो मान लो एक चैनल में मैं ये लिंक डालना चाहता हूँ और दूसरे वाले चैनल जिस पर एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ वहाँ पर लिंक मैं चेंज करना चाहता हूँ। सपोज मैं अपने वेबसाइट का लिंक डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आसानी से वो चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो मैं यहाँ पर अगेन रन प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में ये वाला एक्स्ट्रा आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। नाउ हम अगेन थर्ड वाले ऑप्शन पर चलते हैं। नाउ ये वाला जो प्रोजेक्ट टाइप है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप यूनिक फोटो डाल सकते हैं, यूनिक लिंक डाल सकते हैं, यूनिक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मतलब सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू करके जाना है। आप अपना कंपेन नेम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पेन आइकन दिखता है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कभी भी अपना कंपेन नेम चेंज कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जनरली वही हम करते हैं, अपने कंपेन नेम को कस्टमाइज करके रखते हैं, आप भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगेन आपको क्या करना है, सिंपली फोटो अपलोड करना है। चलिए हम कोई भी फोटो अपलोड कर लेते हैं, ये वाला। एंड यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कुछ भी, चलो पहले वाला ही डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसमें हम अपना लिंक भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना लिंक भी अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर न्यू ऑप्शन जो आपको देखने मिलता है ये है न्यू टेम्पलेट। अब हमने जो भी ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया था इसको हम एक टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है और ये एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब हम मल्टीपल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर अगेन हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर हम नया अपलोड कर लेते हैं इमेज, ये वाला। और डिस्क्रिप्शन चलिए यही रख सकते हैं या डिफरेंट रख सकते हैं, चलो हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिंक्स भी चेंज कर देते हैं, तो चलो लिंक्स हमारा ये वाला हम डाल देते हैं या ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिंक डाल देते हैं, ये वाला उठा के। अब यहाँ पर लिंक भी चेंज हो गया। अब हम इसको भी एक नया टेम्पलेट बना लेते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है इस पर न्यू टेम्पलेट पर, तो हमारे पास टोटल दो टेम्पलेट हो गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो टेम्पलेट है। अब हमको करना क्या है, नीचे जाना है कस्टमाइजेशन में। यहाँ पर आपको जो भी चैनल, जिस भी चैनल पर आप पोस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये कस्टमाइज क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सारे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। आप मैनुअली सारे चीज़ अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट उसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। सिंपली आपको करना क्या है, पोस्ट वन, जो भी आपने पहला टेम्पलेट क्रिएट किया था वो पोस्ट वन है, जो भी आपने दूसरा टेम्पलेट क्रिएट किया है वो पोस्ट टू है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट वन जो है ये टेम्पलेट ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पर प्लेस हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार अगर टेम्पलेट क्रिएट करते हो तो आप बार बार उसे यूज कर सकते हो फ्यूचर में। इसी तरह अगर हम दूसरे चैनल पर चलते हैं तो हम यहाँ पर इसे चेंज करके पोस्ट टू कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंड टेम्पलेट था वह यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑफकोर्स डेट एंड टाइम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। सो अब हमारा सारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हमको लास्ट स्टेप क्या करना है, रन प्रोजेक्ट करना है। रन प्रोजेक्ट करते ही आपका एडवर्टाइजमेंट जिस भी शेड्यूल टाइम में है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सिंपली इसे क्लिक करना है और आपका एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च। तो जिस भी चैनल पर मैंने ऐड किया था वहाँ पर मेरा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस भी डिडक्ट हो गया है, तो इसी तरह आपका भी बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बट मैंने उसे बाइफर्केट के दिया था छोटा छोटा स्टेप में कि आपको समझ में आ जाए बहुत आसानी से। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरा पीछा करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर है। मैं मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।